Hello friends, welcome to the interview. Today we have with us Mr. Mahesh Ram Patel, Assistant Professor of Civil in Sri Shankaracharya Technical Campus. Sir, welcome to the interview. Thank you, sir. Sir, can you tell me about yourself? मेरा नाम महेश राम पटेल है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ. मैंने अपना मास्टर्स जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में किया हुआ है और उसके बाद मैंने टीचिंग ज्वाइन किया. तो मुझे लगभग 6 साल हो गए हैं टीचिंग करते हुए और टीचिंग करने से पहले मैंने 1 साल फील्ड में भी सर्व किया हुआ है. ठीक है, और अभी मैं 4 साल से श्री शंकराचार्य में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ. ओके सर. सर, बीइंग द असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल डिपार्टमेंट, सर व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज? मेरे डिपार्टमेंट में मेरा रिस्पांसिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, मैं यहाँ पे एग्जाम सेक्शन को भी देखता हूँ और एग्जाम सेक्शन के साथ साथ में मैं एमटेक कोऑर्डिनेटर भी हूँ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है कंसल्टेंसी वर्क है वो भी मैं देखता हूँ. ऑलराइट सर. सर, हाउ डज द करिकुलम ऑफ योर कॉलेज इंश्योर दैट द स्टूडेंट आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर? जैसे कि मैंने बताया कि मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मेरा मास्टर्स है तो मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन के ही सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ और सर्विंग पढ़ाता हूँ. तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन सब्जेक्ट क्या होता है कि स्टूडेंट्स को आगे जॉब पाने में उनको हेल्प करता है. क्या होता है कि हम लोग डिजाइन करते हैं तो अपना खुद का हम लोग जैसे कंसल्टेंसी भी ओपन कर सकते हैं. ठीक है, या किसी ठेकेदारी में जा सकते हैं. ठीक है, या और भी अपना खुद का काम कर सकते हैं और हायर स्टडीज में भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन के बहुत सारे स्कोप्स हैं. ऑलराइट सर. सर, हाउ डू यू ट्राई टू मेक प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड द सब्जेक्ट? बेसिकली जैसे कि मेरे नाम से ही मेरे सब्जेक्ट का नाम ही ऐसा है कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डिजाइन. तो हम क्या करते हैं, आसपास में जितने भी कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम वहाँ पे जाके विजिट कराते हैं, जिससे कि क्या हो गया वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डिजाइन होता क्या है, किस तरीके से किया जाता है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है. ठीक है, ये वो अच्छे से जान सकें और समझ सकें. ठीक. ऑलराइट सर. सर, व्हाट इज द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ योर कॉलेज? बेसिकली हमारा स्टूडेंट जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे यहाँ के एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं. ठीक है, और साथ ही साथ हमारे डिपार्टमेंट की स्पेशली सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो हमारा R&D और कंसल्टेंसी है. ठीक है, तो R&D और कंसल्टेंसी में हमको गवर्नमेंट्स के भी बहुत सारे कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स काम मिलते हैं, साथ ही साथ हमें प्राइवेट जो भी है फर्म्स के उनके भी मौके मिलते हैं. ऑलराइट सर. सर, एनी सजेशन यू वुड लाइक टू गिव टू करंट यूथ एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट? मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी सब्जेक्ट्स वो पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें, इन डेप्थ नॉलेज की तरह पढ़ें. ये क्या करेगा उनको कि आगे में बाकी स्टडीज को उनको हायर स्टडीज में जाने के लिए साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए उनको हेल्प करेगा. तो जितना भी पढ़ें, कम पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, इन डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ें. ऑलराइट सर. सर, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.